पर जगह कहाँ है तो रखूं? तुम चार घूम के उसे देख रहे हैं। हे भगवान, क्या पता ये कहाँ से आ गई दिमाग। अभी एक कस्टमर आया था जिसको यानी खरीद कर दूंगा, तो हैप्पी भी उसको फोन करके बोल रहे हैं। यार लेट उठी हूँ मैं, मेरा पूरा शेड्यूल बिगड़ गया, पूरा शेड्यूल। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है, मैं बना रही हूँ खाना और वहाँ से मेरी स्टार्टिंग हो रही है क्योंकि आज हिया और नव को बनाया था राधा कृष्ण, तो वो क्लिप भी मैं इस व्लॉग में ऐड कर दूंगी, तो आप देख लेना। और खाना वगैरह सब बनाकर फिर आपसे मिलती हूँ शॉप पर जाने के टाइम। हाँ ऐसे मटक मटक के चलो, कंकड़ मारो राजा। अब पीछे मुड़, अरे काना जोर से बेटा। फिर है ना भैया के कंधे पे हाथ रख दो। मटका पकड़। मैं हो चुकी हूँ रेडी और अब जाते हैं शॉप पर। चलो शॉप पर जाके दिखाते हैं क्या क्या काम हो रहा है। और आज फाइनल हो गया है जो दीमक लगी थी उसका ट्रीटमेंट, कल या परसों दो तीन दिनों में ट्रीटमेंट करने वाले आने वाले हैं और कंप्लीट ट्रीटमेंट करवाना ही पड़ेगा क्योंकि आगे शॉप पर भी आ रही है दीमक, क्योंकि आज ही देखी गई है वो दीमक, तो देखते हैं अब कहाँ कहाँ आ रही है, और क्योंकि देखना ही पड़ेगा नहीं तो फर्नीचर तो अभी हुआ है, लकड़ी को खा जाती है ना, तो लकड़ी डैमेज हो इससे पहले हम दीमक का ट्रीटमेंट करवा देते हैं। तो चलिए शॉप पर, चार घंटे से देख रहे हैं। ये अभी जा रहे हैं, हमारे जूतों को भी रिपेयर करवा देंगे क्योंकि मेरे जूते के बिगड़ मेरे इतने फांपे पड़ रहे हैं, क्या पेड़ दुख रहे हैं जबरदस्त के। तो अभी ये डिक्की में डाल देते हैं। टाका मारेंगे क्या करेंगे? टाका लगेगा। हाँ खिल्ली मत लगाना बस। हे भगवान, कहाँ पे आएगी दीमक और कहाँ पे आएगी? साफ कर भी दी। ये मेरे जूते हो गए कंप्लीट। न्यू क्रॉक्स से भी हो गए जोरदार, क्योंकि क्रॉक्स भले कितना भी अच्छा कंफर्टेबल जूता देता है पर कुछ टाइम के बाद वो टूट जाता है, ये सबसे बेकार चीज़ है, तो हमने इसको करवा दिया मजबूत, जो 10 रुपये में करवाया जो 3500 का होता है। अभी मैं अंदर सैलून में गई थी, आई तब से शॉप पर ही बैठी हुई थी, पर मैंने अंदर जाके जैसे ही देखा हमने कल जो दीमक हटाई थी वहाँ पर आ गई है दीमक वापस से। मैं आपको बताती हूँ, और ट्रीटमेंट कल से स्टार्ट होगा जो हमारे जहाँ जहाँ पर भी दीमक हो रही है, जहाँ जहाँ पे नहीं पूरे कंप्लीट शॉप पर पूरा आगे से लगाकर पीछे तक कंप्लीट ट्रीटमेंट होगा। और जो दीमक हटाने वाले जो भैया हैं उन्होंने बोला है कि आप सैलून को कर दो पैक, क्योंकि बार बार अगर गेट खोलोगे और अंदर जाओगे इससे भी शायद बढ़ सकती है, या इसलिए 2-3 दिन 4 दिन जो भी है सैलून रहेगा क्लोज। और चलो दिखाती हूँ लास्ट सैलून को, देखो। क्या पता ये कहाँ से आ गई दीमक, क्योंकि हमने कल साफ की थी और वापस आ गई है। इस कोने में आई है और एक वहाँ पर आई है, शायद दिख रही हो तो थोड़ी सी, पता नहीं चल रहा है कि इसके अंदर है कि क्या है। अब पूरी सर्चिंग होगी, अब इसके अंदर है कि क्या है देखेंगे, अगर इसके अंदर होगी तो ऑफकोर्स हटाना ही पड़ेगा ये। और शायद ये कोने में ये जो गेट है ये इस जगह से इधर भी शायद अंदर दीमक है। दीमक करके दिमाग ख़राब हो गया सच में, पता ही नहीं चल रहा है क्या है क्या नहीं। कस्टमर्स को भी फिर मना बोलना पड़ रहा है कि काम आज नहीं होगा। चलो कोई नहीं, आगे शॉप पर बैठूंगी इतने दिन 2-3 दिन तो शायद क्लोज रखना ही पड़ेगा सैलून, इसलिए सारे जो भी मेरे कस्टमर देख रहे हैं व्लॉग को तो देख लो कि अभी 2-3 दिन सैलून रहने वाला है बंद, तो जो भी काम है आप 2-3 दिन के बाद करवाना। और मैंने आज लिपस्टिक लगाई है शुगर की, जो कि मेरा फेवरेट शेड है मैट अटैक का मरून वाइब, और बहुत ही प्यारा लगता है मुझे ये शेड, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। आपको कैसा लग रहा है? कितना मस्त लग रहा है ना। और आज तो मैंने आईलाइनर भी लगाई है, तो सैलून कर देती हूँ मंगल और चलते हैं आगे वाली शॉप पर। बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है ये सब
क्योंकि लगाव है ना यार, अब 2-3 दिन तक मंगल रहेगा, काम होते हुए भी नहीं कर पाऊंगी, ये वाली बात होगी फिर तो। चलिए आगे, अभी मैं पैक कर रही हूँ मिशेल का पार्सल, क्योंकि मिशेल का है ऑर्डर और अभी चल रही है मिशेल पर जैसे कि ऑफ 13%, 13% ऑफ चल रही है। जिसको भी मिशेल के प्रोडक्ट बाय करने हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट DM कर दो, या फिर जिसके पास भी मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है उसके ऊपर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज यानी DM। तो चलिए कर देती हूँ एक पार्सल पैक, और उस पार्सल के अंदर है नाइट क्रीम है, फेस वॉश है, और पेटीडेंट हाइड्रेशन क्रीम है, एंड टोनर है। वेर इज टोनर? टोनर टोनर ये रहा टोनर। तो ये चारों चीज़ें हैं, इनका करवा देते हैं बिल, एंड फिर ये शिप के लिए हो जाएंगे रेडी। हेलो, हैप्पी ब्रो बिल। अभी एक कस्टमर आया था जिसको यानी खरीदा नहीं है ये परफ्यूम, अंबर मस्क, उसने बोला मुझे सिर्फ 2 स्प्रे करने हैं, मैं आपको 2 स्प्रे के पैसे कर दूंगा। तो हैप्पी भी उसको फ़ोन करके बोल रहे हैं कि भाई तुम आ जाओ, हम 2 पिचकियाँ 500 में लगा के देंगे। तो अभी लगाने के लिए वो आएगा, शायद उसको कॉल जा रहा है, तो जैसे ही वो आता है और आके जाता है फिर मैं आपको बताती हूँ। अभी जा रही हूँ मैं घर, और क्यों जा रही हूँ वो घर जाके बताती हूँ। मैं आ गई हूँ घर पर, और क्यों आई, क्योंकि सलोन तो है क्लोज और आगे कस्टमर हैं, वो हैप्पी ब्याह संभाल लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ गई तो चली जाऊँगी। और जैसे कि मुझे सोना यानी रेस्ट करना था तो मैं घर पे आ गई हूँ, अब रेस्ट करूँगी। और अभी बज रही हैं 4:30, तो 5:30 तक करते हैं रेस्ट 1 घंटा, और रेस्ट करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैं 4:30-5 बजे ऐसे कुछ घर आई थी, तो तब मैं सोई थी, और तब से सोई थी, अभी बज रही है 7, पता ही नहीं चला मुझे उठने का, यानी क्या पता क्या हो रहा था, पर थकान उतर गई ऐसा लग रहा है। तो अभी मैं खाना वगैरह सब बनाकर फिर आपसे मिलती हूँ। अभी मैं खाना बनाने की तैयारी जैसे कर रही थी, और क्या लेट उठी हूँ मैं, मेरा पूरा शेड्यूल बिगड़ गया, पूरा शेड्यूल। तो अभी मैं खाना बनाऊंगी, और खाने में क्या बन रहा है वो भी बताती हूँ, अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। मेरे और चिकू के ही खाना है, मम्मी पापा के तो है आज व्रत, तो बनेगा चिकू के लिए तो ब्रेन रोटी बनेगी। सब्जी भी थोड़ी पक जाए, और मैंने जो मेरा फ्रिज से आटा निकाला है मेरा जो गेहूँ वाला, वो भी अच्छे से यानी थोड़ा ढीला हो जाए और फिर बनाऊँ, ताकि बनाने में कोई मुश्किल ना हो। ओ बाप रे, शिट, ऑलरेडी नाखून तो है नहीं, और उसमें भी ये अभी हो गया, उचक गया नाखून ही। नेल कटर लाओ, दबा दे तो, पर ये जो टूटा है ना, ओ बाप रे, मेरे तो पहली बार हुआ ऐसा। दबा दे, देखो उनका दब रहा है। हाँ, छोटा कितना है, टेप लगा दूं? नहीं ना, तुम लाओ, बड़ा भी है। ओ बाप रे, ऐसे बैठने के ही पैर नीचे आ गया, खतरनाक दर्द हो रहा है, चिकू को मजा आ रहा है। पहले से जूते खराब थे वो कम था, जो ये दर्द भी, शिट शिट, बस खून नहीं आया, इतना ही हो रहा है। ओ बाप रे, नाखून पूरा उचक गया चिको। वापते रहने दे, ऑटोमेटिक ही निकलेगा, कोई ऊपर कट कर रहने दे। नहीं, एक तरफ तो आज मैंने किया पैरों के लिए सुविधाजनक कार्य, जो कि आपको पता है आज मैंने मेरे करवाए जूते रिपेयर, वो भी अच्छे से हो गए, धोए हैं अभी तो वो पहन नहीं सकती हूँ, और पैरों पे आ गए हैं छाले, क्योंकि मैं ये वाले कोई पुराने जूते पहन रही हूँ, जो हमारे घर में कोई गेस्ट आता है उसके लिए है, यानी लेडी गेस्ट, जलने में जिसको प्रॉब्लम हो, तो वो वाले जूते मेरे आ रहे हैं टाइट, तो उसकी वजह से आ गया छाला। एक हुआ सुविधाजनक काम, और एक हुआ दुविधाजनक कार्य, जो कि मेरी उंगली का लास्ट नाखून है वो उखड़ गया है, और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और मैंने जो कि इसको काट दिया, नाखून ही नहीं बचाया, हालांकि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है,
5 मिनट करूँगी रेस्ट और फिर जाऊँगी रोटी बनाने के लिए। सब्जी तो मैंने बना दी, अभी चिकू को भेजूँगी, जाओ सब्जी देख के आओ। हाँ, वीडियो के सामने तो इतने फास्ट उठ के गए, यानी धमाकेदार, और ऐसे तो जाते ही नहीं हम। खाना बन गया है, रोटी सब्जी, और अब मैं आपसे खाना वगैरह खाकर फिर मिलती हूँ। और कैमरे को रख देती हूँ रूम में, क्योंकि मुझे और चिकू का दोनों का खाना ले जाना है, और चिकू के लिए करना है सैलेड कट, तो वो करके फिर खाना यहाँ पे ले आऊँगी। ओके, कल हम जो शॉप से लेके आए थे परफ्यूम, वो ये रहे बेचारे टाइनी टाइनी परफ्यूम्स। अब इनको चिकू के कलेक्शन में ऐड कर देंगे, पर जगह कहाँ है तो रखूँ। अब छोटी छोटी जगह बनानी पड़ेगी मुझे छोटू छोटू परफ्यूम्स के लिए। मैंने अभी फिलहाल गिफ्ट किया वो तो ये था, ओड डिज़ायर। इससे पहले किया था वो अम्बर वुड, इससे पहले किया था वो मैंने नहीं किया था, वो हमारी शादी में चिकन लिया था अम्बर मस्क। एंड ये हमने परचेज़ किया था दुबई से, कुछ कुछ बता देती हूँ। ये भी हमने दुबई से परचेज़ किया था, इतना सारा तो मैंने बता दिया, बहुत सारा स्टफ़ है। इसके ऊपर आपको अगर प्रॉपर वीडियो चाहिए हो तो मुझे बता देना, उसके चिकू के जो परफ्यूम कलेक्शन है उसके ऊपर एक पूरी प्रॉपर वीडियो बनेगी, और आपको भी उसमें अच्छे अच्छे सजेशन मिलेंगे आपको कौन सा खरीदना चाहिए। और ये छोटे छोटे जो परफ्यूम्स हैं इनको यहाँ पर ऐड करते हैं, इतनी इतनी जगह में इनको रखेंगे। सबकी फ्रेगरेंस इतनी ज़्यादा शानदार है। ये इधर छोटे छोटे परफ्यूम सेट हो गए, और ये ड्रॉवर अब पूर्णतः लॉक हो गया है, और ये 2-3 परफ्यूम तो ऊपर रखे हुए हैं, और ये वॉल ड्रॉप मैंने जमाई थी फिलहाल, अभी तक तो जमी हुई है इसलिए बढ़िया है, और ख़राब होगी तो फिर अब तो चिकू ही जमाएंगे, क्योंकि मैं कितना करूँ फिर। आज मुझे बहुत ही कुछ अच्छा खाने का मन था, और मैं फूड व्लॉगिंग देख रही हूँ आजकल, क्या पता मेरे फ़ोन में यही आता है, जब भी स्क्रॉल करती हूँ बस फूड व्लॉगिंग। और मुझे शौक भी है काफ़ी देखने का, तो अभी वो सब देख रही थी, और पैर दुख रहा है ज़ोरदार का, तो मैं यहीं पर कर रही हूँ व्लॉग का एंड। अगर यहाँ तक देखने के बाद व्लॉग अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे व्लॉग में, बाय। और शॉप करो की एप्लीकेशन को कर लो डाउनलोड, ठीक है, और मुझे कर दो इंस्टाग्राम पर फॉलो, बाय।